नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट मंत्री मंडल की विस्तार चल रही है और साथ में मोदी जो कैबिनेट अभी तक है उसकी छटनी भी चालू है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं पूरे घटनाक्रम में कि आज कुछ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और किस तरीके से मोदी कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जल शक्ति मंत्रालय और सोशल जस्टिस मंत्रालय में राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने इस्तीफा दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अब तक 7 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। पीएम मोदी के साथ नेताओं की बैठक खत्म हो चुकी है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पीएम मोदी के साथ नेताओं की बैठक खत्म हो गई है, जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास में नेताओं का निकलना शुरू हो गया है। पीएम मोदी के साथ नेताओं की बैठक करीब 1 घंटे तक चली और इस दौरान पीएम ने नेताओं को संबोधित किया। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल से विस्तार से पहले 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्री संतोष गंगवार, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, फर्टिलाइज मंत्री सदानंद गौड़ा और केंद्रीय मंत्री देवोश्री चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो उससे पहले कुछ लोगों की छटनी हो चुकी है जिनका अब कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब आपको ये बताएंगे कि मंत्रिमंडल में संभावित नाम कौन है। तो सबसे पहले जो नाम सामने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कांग्रेस से जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, वर्तमान में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, अब उनको कैबिनेट में जगह मिलनी लगभग तय हो चुकी है। दूसरा नाम है सर्बानंद सोनेवाल है, जो कि असम बीजेपी से है। तीसरा नाम है पशुपति नाथ पारस, जो बिहार के LJP के हैं। उनके भाई की मृत्यु के बाद अब उनको कैबिनेट में जगह मिलनी लगभग तय हो चुकी है। चौथा नाम है नारायण राणे का, भूपेंद्र यादव का, अनुप्रिया पटेल का नाम है, उधई कपिल पाटिल, मीनाक्षी लेखी का, राहुल कसाबा, अश्वनी वैष्णव, शांतनु ठाकुर, विनोद सोनकर, पंकज चौधरी, RCP सिंह और दिलेश्वर कामत, चंदेश्वरी प्रसाद चंद्रवंशी, रामनाथ ठाकुर, राजकुमार रंजन, VL वर्मा, अजय मिश्रा, हिना गावित, शोभा कंदरलाजी और अजय भट्ट का नाम लगभग आना तय हो चुका है। मतलब मंत्रिमंडल में अब इनको जगह मिलेगी। आपको ये भी बताते चले कि मंत्रियों की शपथ आज शाम 6 बजे होगी। तो शपथ से पहले लगातार नेताओं और मंत्रियों का दौरा चालू है, इनकी मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री आवास में और छटनी भी चल रही है। तो आज 43 मंत्री जो कि शपथ लेंगे और इस शपथ समारोह राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना बिल्कुल ना भूलें खबरें अभी तक।